हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटी। सो टुडेज टॉपिक इज रिलेटेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन द कमोडिटी मार्केट। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या टाइप्स के ऑर्डर होते हैं जो हम कमोडिटी मार्केट में ले सकता। सो लेट मी रिमाइंड यू, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आर चैनल येट, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स फ्रॉम डेली कमोडिटी। सो द टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ ऑर्डर इन कमोडिटी मार्केट। सबसे पहला ऑर्डर है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब होता है कि जो भी ट्रेड है वो एक स्पेसिफिक प्राइस पे या फिर उससे बेटर प्राइस पे होना चाहिए। अगर आप बाय कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट तो आप हमेशा लोअर प्राइस के लिए एम करोगे, और अगर आप सेल कर रहे हो तो आप हमेशा हायर प्राइस के लिए एम करोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 13 अप्रैल को सोयाबीन का जो वैल्यू है वो सपोज़ $10 ले लो, और अगर आप बाई कर रहे हो तो फिर जो भी प्राइस होगा वो $10 से नीचे होगा, उस पर लाइक आप एम करोगे। और अगर सपोज़ आप सेल कर रहे हो तो अगर प्राइस है $12, तो जब भी आप सेल के लिए जाओगे तो हमेशा वो प्राइस $12 के ऊपर रहेगा। तो सेकंड ऑर्डर है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर एक बहुत ही कॉमन ऑर्डर है और बहुत ही सिंपल है, बिकॉज़ ये बहुत सारे लोगों के लिए कन्वीनियंट भी है। मार्केट ऑर्डर जो होता है वो करंट मार्केट वैल्यू पे होता है, या तो फिर बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो उस टाइम पे अवेलेबल होगा। विच मीन्स अगर आप बिड प्राइस ले रहे हो, तो अगर आप सेल कर रहे हो तो आप बिड प्राइस के लिए देखोगे, और अगर आप बाय कर रहे हो तो आप आस्क प्राइस के लिए देखोगे। हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि मार्केट ऑर्डर होता है वो गारंटी तो होता है कि आपका जो ऑर्डर है वो फिल होगा, बट आपको जो प्राइस पे चाहिए था वो प्राइस पे होगा कि नहीं वो कंफर्म नहीं रहता। तो जो थर्ड ऑर्डर है वो है डे ऑर्डर। ये भी एक बहुत ही कॉमन और पॉपुलर ऑर्डर होता है कमोडिटी मार्केट में। ये ऑर्डर जो भी है वो वैलिड होता है खाली एक ही दिन के लिए जब ऑर्डर प्लेस हो रहा हो। सपोज़ अगर आप ऑर्डर 13 अप्रैल को प्लेस करते हो तो वो ऑर्डर खाली एक ही दिन के लिए वैलिड माना जाएगा। और अगर आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ है बिफोर द एंड ऑफ द ट्रेडिंग डे तो फिर वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। आपको वो ऑर्डर कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा सिस्टम के थ्रू। तो जो लास्ट ऑर्डर है वो है स्टॉप लॉस ऑर्डर। ये जो ऑर्डर रहता है वो जब प्लेस्ड होता है तो उसका रिकॉर्ड रहता है सिस्टम के अंदर, बट वो सस्पेंडेड मोड के अंदर रहता है। वो तभी विजिबल होता है जब मार्केट प्राइस रहता है वो एक पॉइंट पे रीच करता है, जिसको हम ट्रिगर प्राइस भी बोलते हैं, जो मेंबर्स जो होते हैं वो डिफाइन करते हैं, और ये यूज़ होता है एज अ टूल टू लिमिट द लॉसेस। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर। थैंक यू।